in this session we are going to discuss an example that will help us in understanding the concept of computing the price of a common stock so if you are intending to invest in a certain common stock how you are going to assess hey, is ki kya honi for that purpose i'm taking an example a hypothetical example of say lucky cement लकी सीमेंट के शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं और मैं ने सर्वे किया लोगों से बातचीत की फाइनेंशियल एनालिस्ट से डिस्कस किया ब्रोकर से बात की कि मुझे किस शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए मुझे एक साल के लिए फ़ॉर एग्जांपल पैसे इन्वेस्ट करने मेरे पास कोई सेविंग्स आ गई हैं और मैं एक साल के लिए उनको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मार्केट सर्वे करने से मुझे पता चला एवरीबडी है सजेस्टेड मी क्या यू शुड गो फॉर इन्वेस्टिंग इन लकी सीमेंट के शेयर्स ले लो अभी मार्केट में पता किया एक शेयर की कीमत पचास रुपए है तो अभी मुझे इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूँ कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए तो इन ऑर्डर टू असेस द प्राइस व्हाट वी यूजुअली डो इज बेसिकली हमने करना क्या है हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो तमाम कैश फ्लोज़ का जो कि इस स्टॉक को बाय करने से मुझे मिलने वाले हैं

में इन्वेस्ट करने से तो मुझे ये तीन इन्फॉमेशन्स चाहिए फ्रॉम द मार्केट ताकि मैं इसका प्राइस इस वक्त क्या होना चाहिए उसको उसका तयन कर सकूँ उसको कैलकुलेट कर सकूँ उसको कंप्यूट कर सकूँ तो अभी हमने डेटा कलेक्ट किया फ़ॉर एग्जांपल हमने कहा मार्केट में इस वक्त इसकी कीमत एक शेयर की पचास रुपये है डिविडेंड एक्सपेक्ट करें हम जीरो पॉइंट वन सिक्स रुपीज़ ऑन वन स्टॉक और जो फ्यूचर में एक साल के बाद इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो साठ रुपये हो जाएगी पचास रुपए से इंक्रीज करके देर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज ऑफ रुपीज़ टेन ये तीनों इंफॉर्मेशन मैंने ली उसके बाद एक और चीज़ मुझे चाहिए थी वो क्या था दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना प्रॉफिट या मुनाफा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से और सपोज दैट टर्न आउट टू बी ट्वेल्व परसेंट राइट सो ये कैसे पता चलता है मार्केट में ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक साल के अंदर इतना रेट ऑफ रिटर्न या इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आपको असेस करना पड़ता है मार्केट के डेटा की बेसिस के ऊपर तो वहां से मुझे पता चला कि ट्वेल्व परसेंट होने वाले ये तमाम इंफॉर्मेशन लेके मैंने अपने वन ईयर वैल्यूएशन मॉडल के फॉर्मूला में लग की उसके लिए मुझे करना क्या है फर्स्टली आई विल हैव टू टेक इन अकाउंट द डिविडेंड वैल्यू ये डिविडेंड लिया जीरो पॉइंट वन सिक्स इसको डिस्काउंट फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिया फिर मैंने सेलिंग प्राइस ली दिस इज पीक वन इसको मैंने डिस्काउंट फैक्टर के साथ डिवाइड किया और दोनों की वैल्यूज़ निकाल के ऐड की तो मेरे पास आ गया रुपीज़ फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन वन इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पॉसिबल कैश फ्लोज़ विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग वन ईयर ठीक है एक साल के अंदर अंदर जो भी कैश फ्लोज आएंगे उनका मैंने डिस्काउंट फैक्टर लगा के उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है एंड दिस टेल्स मी अबाउट द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक बाय लकी सीमेंट फॉर एग्जांपल अब मार्केट में इसकी कीमत है पचास रुपए और मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है फिफ्टी तो जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि जो मुझे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में उनका प्रेजेंट वैल्यू मेरे हिसाब के मुताबिक 53.71 है हम कह रहे हैं तकरीबन फिफ्टी फोर रुपीज़ और इस वक्त वो मिल रहा है पचास रुपये का तो मुझे तो फ़ौर ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे तकरीबन एक शेयर के ऊपर मुनाफा नज़र आ रहा है तीन रुपये सेवेंटी वन इकहत्तर पैसे का फाइन लेकिन दिस इज़ नॉट दैट फैंसी फाइन सो हमें तो लग रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू हायर है उसके करंट प्राइस से तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू बेनिफिट मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से लेकिन ये एक और बात भी बता रहा है वो ये है कि अभी का प्राइस मार्केट में जो प्रिवेल कर रहा है वो रुपीज फिफ्टी है इसका प्रेजेंट वैल्यू फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन वन निकला है इसका मतलब है कि आई वॉज़ टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मे बी फाइन या मैं सेलिंग प्राइस बहुत हाई समझ रही हूँ हो सकता है एक्चुअली मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ जो रिस्क अटैच किया है वो हायर है एज़ कंपेयर टू जो मैंने अटैच किया जो मैं समझ रही हूँ तो उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा रिस्की है ये साठ रुपये नहीं पे नहीं बिकेगा एक साल के बाद लेकिन मैं समझ रही हूँ कि ये साठ रुपये बिकेगा या कुछ और मैंने ज़्यादा होपफुल हो गई हूँ या मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जिसकी वजह से मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू नज़र आ रही है फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन वन मगर मार्केट में जो फैक्टर्स हैं या डिटरमिनिंग कैरेक्टर्स हैं उनके मुताबिक दिस इज़ बिट मोर रिस्कियर एज़ कम्पेयर टू हाउ आई एम टेकिंग इट जिसकी वजह से मार्केट की फोर्सिस ने इसकी कीमत का तयन कम किया है एज कम्पेयर टू वट आई हैव कम इंडिकेटिंग That there could be a bit more risk, higher risk attached with this financial instrument as compared to what I took for my calculations price higher. So there is this something, there is this important thing that needs to be considered when we are planning to invest in a certain financial instrument after calculating its the present value of all the future cash flows.